नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? पिछली बार दवाई डाली तो कंट्रोल आसानी से हो गया, लेकिन इस बार वही दवाई काम नहीं कर रही, ऐसा अगर आपके मन में सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बना है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में आपको बताने वाले। दवाइयों के बारे में एक स्पेशल वीडियो बन चुका है जिसके बारे में मैं आज के इस वीडियो के अंत में आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन जो लॉजिक है ब्लैक थ्रिप्स इतनी तेज गति से क्यों फैल रहा है ये लॉजिक आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देखना भाई, 3 साल पहले ये साउथ में था ब्लैक थ्रिप्स, फिर पिछले साल महाराष्ट्र में गुजरात तक आया, और इस साल आप देखना कि भाई मध्य प्रदेश तक ये आ चुका है, और अभी ये आगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आगे भी और बढ़ता रहेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो ऐसा इतना तेज गति से उसका इम्यूनिटी पावर क्यों बढ़ रहा है, इन सभी के बारे में अगर जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अनिर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में जानने से पहले ब्लैक थ्रिप्स है क्या आपको समझना पड़ेगा। भाई, आप लोगों ने तो 2 प्रकार के थ्रिप्स देख लिए, एक पीला वाला थ्रिप्स और एक ब्लैक वाला थ्रिप्स। अभी एक कलर में चेंज है, उनका बॉडी का शेप, आकार वगैरह सब सेम है, लेकिन जब कंट्रोलिंग का वक्त आता है तो आपका पीला वाला थ्रिप्स बहुत आसानी से कंट्रोलिंग में आ जाता है, लेकिन ब्लैक वाला थ्रिप्स इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझने के लिए आप एक बात मेरी समझ लो कि देखो, ठंडे वाले एरिया में, यानी कि उदाहरण के तौर पर अमेरिका, यूके जैसे कंट्री में, कनाडा जैसे कंट्री में, जहाँ पे ठंड का ज़्यादा मौसम रहता है, 6-6 महीना ठंड पड़ता है, तो वहाँ के लोगों का स्किन टोन यानी कि त्वचा का रंग गोरा होता है, यानी कि सफ़ेद रंग होता है। और अफ्रीका, आप देखो अफ्रीका में आप जितने भी लोग देखोगे, वो ज़्यादा सनलाइट, ज्यादा टेम्परेचर के कारण वहां के लोगों का रंग काला होता है। तो यही सिमिलैरिटी आपके ब्लैक थ्रिप्स में। आप कहोगे कि भाई ये दिवराज भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ यही है कि भाई देखो, ब्लैक थ्रिप्स का सबसे पहला अटैक जहां पे हीट ज्यादा रहती है, जहां पे हमने पहले ब्लैक थ्रिप्स वाले वीडियो में भी यही बताया था कि भाई जहां पे ज्यादा टेम्परेचर रहता है वहीं पे ब्लैक थ्रिप्स आपको दिखाई देता है। अगर आपको यकीन नहीं तो वो वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको यकीन आ जाएगा कि हमने ऐसा ही उस वाले वीडियो में बोला था। मेरे हिसाब से 1-1.5 साल उस वीडियो को भी वह हो चुका होगा। तो पहले एक बात समझ लो कि ब्लैक थ्रिप्स, आप देखना, पहले साउथ में था, फिर आंध्र में आया, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और इस साल मध्य प्रदेश में, और आगे की ओर जा रहा है, मतलब वो ठंडे एरिया की तरफ जा रहा है। तो ये लॉजिक यहाँ पे सेम हो जाता है कि भाई वो ब्लैक थ्रिप्स साउथ रीजन का है, यानी कि हीट वाले मौसम में वो बढ़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने ठंडे वाले एरिया में अटैक करने की पावर बढ़ा रहा है। तो यही वो लॉजिक है स्किन टोन का, यानी कि त्वचे का रंग का, कि अमेरिका के इंसान गोरे होते हैं और अफ्रीका के इंसान काले होते हैं, तो वैसे ही थ्रिप्स में दोनों इंसान ही है, दोनों का खाना पीना लगभग सेम है, दोनों को एनर्जी लगती है, खाने का सिस्टम, इम्यूनिटी पावर वगैरह, उसमें इम्यूनिटी पावर में थोड़ा बदलाव है, लेकिन बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो सेम है। वैसे ही ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स में, तो येलो थ्रिप्स बहुत ही आसानी से कंट्रोल होता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर कम होता है, जो भी कीटनाशक के प्रति लड़ने की क्षमता है वो कम होती है, और ब्लैक थ्रिप्स में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो इसी पॉइंट के सहारे हम कह रहे हैं कि भाई अगले साल इसी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक आपको और भी ज़्यादा आगे, मतलब मध्य प्रदेश के भी आगे आपको दिखाई देगा, जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, तो उस तरफ भी इसका अटैक हो सकता है। तो अभी हम जानेंगे कि भाई आपका थ्रिप्स कंट्रोलिंग करते वक्त कई बार आपको रिजल्ट मिलता है, और वही दवाई या बाद में उसी थ्रिप्स के लिए कंट्रोलिंग के लिए डालते हो तो रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर डेलीगेट का पहला थ्रिप्स के लिए रिजल्ट मिल जाता था ब्लैक थ्रिप्स के लिए, लेकिन वही डेलीगेट अगर बाद में इस्तेमाल किया तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, इसका जवाब अभी सुन लीजिएगा। लेकिन यह समझने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण ध्यान में लेना होगा। तो पहला उदाहरण ये है कि बॉस, आप देख लेना कि एक फैमिली के अंदर बहुत सारा मतलब मेंबर है, एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े माता पिताजी तक आपके मेंबर है, और उस घर के अंदर अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो सबसे पहली हानि वो बच्चे को होती है। बच्चे को क्यों होती है? क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, इतना पावरफुल नहीं होता है। तो वही इम्यूनिटी पावर आप अगर आपके थ्रिप्स के अंदर लाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर ऐसा मिलेगा कि ब्लैक थ्रिप्स की बाल्यावस्था में अगर आप कोई इंसेक्टिसाइड डालते हो तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग में आ जाता है, लेकिन आप क्या करते हो, जब पत्तियां कर्लिंग होने लगती है, ज़्यादा हीट डैमेज होने लगता है ब्लैक थ्रिप्स से,
तो तब जाकर अगर आप ब्लैक थ्रिप्स के लिए को वही दवाइयाँ यानी कि डेलीगेट वो अडल्ट स्टेज में प्रौढ़ावस्था में अगर डालते हो तो वो कंट्रोलिंग के लिए बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में इम्यूनिटी पावर काले थ्रिप्स का भी कम होता है, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग आसानी से मिलता है। लेकिन प्रौढ़ावस्था में यानी कि अडल्ट स्टेज में वो उसी थ्रिप्स का जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट हो चुका होता है और वो डेलीगेट को भी मानता नहीं है। तो अगर आपको ब्लैक थ्रिप्स के लिए अच्छे से कंट्रोलिंग करना है तो खास बात में तो खास बताने वाले, लेकिन अभी के लिए अब इतना बता रहा हूँ कि भाई ब्लैक थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करना है तो ब्लैक थ्रिप्स का अटैक होने के तुरंत बाद उसका कंट्रोलिंग के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। आप क्या करते हो, पूरा का पूरा पत्ती कर्लिंग होने के बाद यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ब्लैक थ्रिप्स का, तब जाकर आप कंट्रोलिंग के बारे में सोचते हो और वहीं पे आपका नुकसान हो जाता है। तो ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल करना है तो अर्ली स्टेज में अगर कंट्रोलिंग करोगे, बाल्यावस्था में कंट्रोलिंग करोगे तो आपको ब्लैक थ्रिप्स का कंट्रोल अच्छे से मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में हम ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए 3 ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जो कि आपका ब्लैक थ्रिप्स बहुत ही आसानी से आपको कंट्रोल करा देगा। तो पहला हमने पिछले वाले पॉइंट में देखा कि बाल्यावस्था में अगर आप कंट्रोलिंग करोगे, शुरुआती अवस्था में कंट्रोलिंग करोगे तो आपका ब्लैक थ्रिप्स बहुत आसान तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि भाई हर एक थ्रिप्स का बाल्यावस्था हम कैसे ट्रेस करें, वहाँ पे तो दूरबीन लगा के तो हम खड़े नहीं रह सकते, तो हर बार हर रोज तो स्प्रेइंग नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल वाला मेथड है ड्रेंचिंग का। तो अगर आप ड्रेंचिंग करते हो इंसेक्टीसाइड का, नियोनिकोटिन ग्रुप का, यानी कि उदाहरण के तौर पर आपका इमिडाक्लोप्रिड हो गया या फिर थायमेथोक्साम यानी कि एक्ट्रा हो गया, इसका अगर आप ड्रेंचिंग करोगे तो ड्रेंचिंग में क्या होगा कि आपका ड्रेंचिंग होने के बाद जो भी आपका पूरा का पूरा पौधा है उसमें उस इंसेक्टीसाइड का रेसिड्यू यानी कि उसका पावर रहेगा, तो वो बाल्यावस्था में ही उसके पेट के अंदर अगर पॉइजन जाएगा तो वहीं पे वो मर जाएगा और इसी के साथ आपका थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके फसल में बजट बैठता है ड्रेंचिंग का तो आप ड्रेंचिंग कीजिएगा, अगर आपके फसल में ज़्यादा मुनाफा नहीं है तो ड्रेंचिंग का पर्याय आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट जो है ड्रेंचिंग का तो हमने बता दिया। सेकंड पॉइंट आप एक नोटिस कीजिएगा, इस वीडियो में हमने बताया कि जो ब्लैक थ्रिप्स थे वो साउथ रीजन से ठंडे वाले मतलब गर्म माहौल से ठंड की माहौल तक वो धीरे धीरे जाकर इम्यूनिटी पावर डेवलप कर रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर यूरिया कैल्शियम नाइट्रेट के साथ अगर कोई इंसेक्टीसाइड का छिड़काव करोगे तो भाई वो ठंडा होता है, तो वो टेम्परेचर डाउन करके अगर ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर वो इंसेक्टीसाइड जाएगा, ऐसे कुछ जुगाड़ आप करते हो तो जिससे टेम्परेचर डाउन होगा फसल का या फिर वो दवाइयों का, तो उससे क्या होगा आपका ब्लैक थ्रिप्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। और एक बात नोटिस कीजिएगा कि भाई अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो अभी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक भी आपके फसल में कम हो चुका होगा, तो यही वो बात है कि ब्लैक थ्रिप्स आपके ठंड वाले एरिया में ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो तीसरा एक बात, एक और आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि भाई आपने रिजेंट का इस्तेमाल, फिप्रोनील का इस्तेमाल छोड़ दिया है, तो फिप्रोनील का मोड ऑफ एक्शन साइलेंटली है, उसका रिजल्ट 2-3 दिन में नहीं आता है, वो धीरे धीरे काम करता है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट देता है। अगर रिजेंट का इस्तेमाल मतलब भाई रिजेंट इतना पावरफुल वाला दवाई है कि जहाँ पे आपके दवाई का कवरेज नहीं बैठता है वहाँ पे आपका रिजेंट फिप्रोनील बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो वो कैसे काम करता है, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, आप रिजेंट वाले वीडियो में देख लेना। अगर रिजेंट वाला वीडियो देखना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, और ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर जो भी बाकी दवाइयाँ है जो कंट्रोलिंग की, तो वो वाले देखना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।